नमस्कार, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है मैक्स वेबर का क्रिटिसिज्म ऑफ थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन। यानी मैक्स वेबर ने जो सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत दिया है उसकी आलोचना। इससे पहले हमने मैक्स वेबर के द्वारा दिए गए सामाजिक क्रिया के अर्थ के बारे में, सामाजिक क्रिया की विशेषताओं, सामाजिक क्रिया के मैक्स वेबर ने जो चार प्रकार बताए हैं, तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया, भावनात्मक क्रिया और परंपरात्मक क्रिया, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इसके अलावा मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को समझने की जो विधियाँ बताई है उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। आज हम मैक्स वेबर ने जो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया है उसकी आलोचना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी मैक्स वेबर ने जो सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत सामाजिक क्रियाओं का जो वर्गीकरण किया है उन्होंने, उसमें उन्होंने जीवन के जो विभिन्न पक्ष हैं, मानव जीवन के जो या सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्ष हैं, जैसे कि धार्मिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, सभी पक्षों को उसमें सम्मिलित किया है। साथ ही उन्होंने क्रिया के प्रकारों के माध्यम से एक ऐसा व्यापक निर्वचन यानी व्याख्या प्रस्तुत की है जो कि संपूर्ण जगत के लिए सर्वमान्य हो। यानी कि ये जो वर्गीकरण है सामाजिक क्रिया का, ये सार्वभौमिक रूप से सत्य है, ऐसा मैक्स वेबर का मानना है। और मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रियाओं के वर्गीकरण में तार्किकता और मूल्य दोनों का समन्वय स्थापित किया है, ये इसके प्रमुख सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है। और उन्होंने घटनाओं को यानी सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए और उनके सही परिणामों को ज्ञात करने के लिए इन दोनों का ही यानी कि तार्किकता और मूल्य दोनों का सहारा लिया है। अब हम देखेंगे कि मैक्स वेबर का जो ये सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है इसकी आलोचना किस प्रकार की गई है या कौन कौन सी आलोचना इस सिद्धांत की जाती है। सबसे पहली जो आलोचना है वो है नकारात्मक विश्लेषण पर अधिक बल। यानी कि मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत दिया है उसमें उन्होंने इसके नकारात्मक विश्लेषण पर अधिक जोर दिया है। यानी कि मतलब ये है कि मैक्स वेबर ने मुख्य रूप से ये बताया है कि समाज में कौन सी क्रियाएं सामाजिक क्रिया नहीं है, और साथ ही उन्होंने सामाजिक क्रिया के जो विभिन्न तत्व है उनको उनका स्पष्ट रूप से विश्लेषण नहीं किया है। दूसरी जो आलोचना की जाती है वो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रयोग। यानी कि कुछ समाजशास्त्रियों का ये मानना है कि मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के अंतर्गत, सामाजिक क्रिया सिद्धांत के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं और शब्दों का प्रयोग किया है, उन्हें परिभाषित किया है, वर्गीकृत किया है। और मैक्स वेबर ने जो सामाजिक क्रिया के जो वर्गीकरण दिया है उसमें भावात्मक क्रिया इसका उदाहरण है। और इस प्रकार की सामाजिक क्रियाएँ सामाजिक न होकर मनोवैज्ञानिक हो जाती है। और क्रियाओं के जो प्रकार है मैक्स वेबर ने जो दिए हैं उसमें व्यक्ति के मस्तिष्क, भावनाओं और आदतों को अधिक महत्व दिया है। तो इस कारण सामाजिक क्रिया का जो ये सिद्धांत है वो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जो आलोचना है वो है त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण। मेलेन गोक नामक समाजशास्त्री ने अपनी कृति जर्मन फिलोसफी में मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत का जो वर्गीकरण है उसे त्रुटिपूर्ण बताया है। यानी कि मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के जो चार प्रकार बताए हैं
लेकिन मेलेनबॉक का कहना है कि जो व्यवहार मानव व्यवहार के जो मूल स्रोत है, यानी कि उत्प्रेरणाएं होती है मानव व्यवहार के मूल स्रोत, और इन्हीं उत्प्रेरणाओं के कारण मानव विभिन्न प्रकार के व्यवहार करता है। और ये मूल उत्प्रेरणाएं तीन ही प्रकार की होती है, और इस कारण मानव व्यवहार या जो सामाजिक क्रियाएं हैं वो भी तीन ही प्रकार की हो सकती है। और ये जो तीन मूल उत्प्रेरणाएं हैं जो इस प्रकार है, सबसे पहली है तर्क, रीजन। इसके साथ व्यक्ति का जो तार्किक व्यवहार है वो जुड़ा हुआ है, और इसके अंतर्गत मैक्स वेबर के द्वारा बताई गई जो प्रथम प्रकार की सामाजिक क्रिया है तार्किक क्रिया, उसको इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है। दूसरी जो मूल उत्प्रेरणा है वो है संवेग, इमोशंस। इसमें भावात्मक व्यवहार उद्वेगों के साथ जुड़ा हुआ है, और मैक्स वेबर के द्वारा बताई गई जो तीसरे प्रकार की सामाजिक क्रिया है यानी कि भावात्मक क्रिया को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है। और थर्ड है भावना, सेंटिमेंट्स। इसमें संवेगात्मक या परंपरागत व्यवहार भावना से जुड़ा होता है, और मैक्स वेबर के द्वारा बताई गई जो फोर्थ नंबर की जो सामाजिक क्रिया है परंपरात्मक क्रिया, वो इसके अंतर्गत मानी जाएगी। अब मेलेनबॉक की ये मान्यता है कि क्योंकि जो मनुष्य का प्रत्येक प्रकार का जो व्यवहार है, सभी प्रकार का जो व्यवहार है वो कुछ मूल उत्प्रेरणाओं पर आधारित होता है, और मैक्स वेबर का जो सामाजिक क्रिया का जो दूसरा प्रकार है मूल्यांकनात्मक क्रिया, वो स्पष्ट नहीं है, क्योंकि मूल्यांकनात्मक क्रिया को कौन सी मूल उत्प्रेरणा के अंतर्गत रखा जाएगा ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। अगली जो आलोचना है वो है सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या नहीं करता है। एलेन टोरेन ने कहा है कि मैक्स वेबर का जो सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत है वो समाज में होने वाले परिवर्तन यानी कि सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या नहीं करता है, या उसके द्वारा सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या नहीं की जा सकती है, क्योंकि सामाजिक क्रिया का जो ये सिद्धांत है उसमें मानदंडों को यानी नॉर्म्स को अनुरूपता माना गया है जो कि अत्याज्य है, मतलब जिनको छोड़ा नहीं जा सकता, और इससे सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि ये सिद्धांत सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत ये मानकर चलता है कि समाज में मानदंड पूर्व स्थापित है, यानी कि पहले से ही स्थापित है समाज में ये मानदंड, लेकिन ये समाज में किस प्रकार स्थापित हुए, किस प्रकार मानदंडों का निर्माण हुआ, इसका उल्लेख सामाजिक क्रिया सिद्धांत के द्वारा नहीं किया जा सकता। तो इसलिए सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत है वो सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या नहीं करता है। अगली जो आलोचना है वो है सामाजिक संरचना और संस्कृति की व्याख्या नहीं करता, यानी सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या जिस प्रकार सामाजिक क्रिया का सिद्धांत नहीं करता, उसी प्रकार वेबर का सामाजिक क्रिया का सिद्धांत समाज की जो सामाजिक संरचना है और संस्कृति की व्याख्या भी नहीं करता, और समाज की संरचना और संस्कृति को ये समाज में पहले से ही स्थापित मानकर चलता है, लेकिन ये समाज में किस प्रकार स्थापित हुई, संस्कृति का निर्माण किस प्रकार हुआ, सामाजिक संरचना का निर्माण किस प्रकार हुआ, इसकी व्याख्या ये सिद्धांत नहीं करता है। अगली जो आलोचना है वो है अस्पष्ट वर्गीकरण। यानी कि मैक्स वेबर ने जो सामाजिक क्रिया का जो वर्गीकरण दिया है वह स्पष्ट नहीं है, और इसमें एक ही प्रकार की एक ही क्रिया को तार्किक, भावात्मक, मूल्यांकनात्मक या परंपरात्मक क्रिया में से दो या अधिक श्रेणियों में रखा गया है, जिससे कि ये हमारे सामने ये दुविधा आती है कि किसी क्रिया को किस प्रकार की श्रेणी के अंतर्गत माना जाए या किस प्रकार की श्रेणी के अंतर्गत उसको सम्मिलित किया जाए। तो इस प्रकार मैक्स वेबर
के द्वारा जो सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत है उसमें क्रियाओं सामाजिक क्रियाओं का जो वर्गीकरण है वो स्पष्ट नहीं है। अगली जो आलोचना है वो है वृद्ध स्तर पर सामान्यकरण नहीं करता। समाजशास्त्री मर्टन एवं कोहेन का मत है कि मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत है वो लघु स्तर पर यानी कि छोटे स्तर पर सामान्यकरण करने में सहायक है, जबकि समाज का वृद्ध स्तर पर यानी बहुत बड़े स्तर पर सामान्यकरण करने में असमर्थ है और इसके द्वारा समाज के बहुत बड़े स्तर पर सामान्यकरण या निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। अगली जो आलोचना है वो है व्यक्ति परकता को अधिक महत्व दिया गया है। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के अंतर्गत व्यक्ति परकता को अधिक महत्व दिया है यानी कि सामाजिक क्रिया के अंतर्गत व्यक्ति स्वयं व्यक्ति के द्वारा दिए गए अर्थ को महत्वपूर्ण माना गया है यानी कि स्वयं व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार का क्या अर्थ लगाता है उस अर्थ को यानी व्यक्तिपरक अर्थ को अधिक महत्व दिया है। इस प्रकार सामाजिक क्रिया सिद्धांत की आलोचना की जाती है, लेकिन मैक्स वेबर का जो सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत है ये समाजशास्त्र के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि सामाजिक क्रियाएं किसी समाज के निर्माण में और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है और मैक्स वेबर ने संपूर्ण समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया के आधार पर ही समझाने का प्रयास किया है और सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की केंद्रीय अध्ययन वस्तु के रूप में स्वीकार किया है।